खबर आपको बलरामपुर से दिखा रहे हैं। जापोतरौला में शासन के मनसानुरूप आम जनमानस की शिकायतों एवं समस्याओं का प्रभावी ढंग से निस्तारण हेतु शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन जनपद के 3 तहसीलों में संपन्न हुआ। तहसील उतरौला में जिलाधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार एवं पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सक्सेना ने संपूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों की शिकायतें सुनी। वहीं संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण जाँच करने का निर्देश भी दिया। वहीं डीएम डॉक्टर महेंद्र कुमार ने कहा कि सभी विभागाध्यक्ष शिकायतों का निस्तारण स्वयं करें, इसकी निगरानी निरंतर करते रहें। संपूर्ण समाधान दिवस में जनता की समस्याओं को सुनते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया कि IGRS पोर्टल पर किसी भी प्रकार की शिकायत लंबित न रहे। शासन व जनपद स्तर पर निरंतर इसकी निगरानी की जानी चाहिए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सक्सेना ने सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित किया कि वे शिकायतों का निस्तारण समय से करें, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं की जानी चाहिए। वहीं जिलाधिकारी ने भी कहा कि जमीन विवाद, अवैध अतिक्रमण, नाली चक मार्ग, सार्वजनिक रास्ता आदि मामलों में पुलिस एवं राजस्व की संयुक्त टीम द्वारा मौके पर जाकर विवाद का निस्तारण करें। सभी लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षकों को निर्देश दिया कि सरकारी जमीनों पर किसी भी प्रकार का अवैध अतिक्रमण न होने दें। इस दौरान फरियादियों द्वारा राशन न मिलने की शिकायत, शहरी आवास भुगतान की शिकायत की गई, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि तत्काल समस्याओं का निस्तारण किया जाए, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षमा नहीं की जाएगी। इस दौरान SDM संतोष कुमार ओझा, तहसीलदार रामाश्रय, CEO उदयराज सिंह, CMO डॉक्टर सुशील कुमार, DDO गिरीश चंद्र पाठक, PD चंद्र पाठक, चंद्र प्रकाश, DOS गोविंद राम, BSA कल्पना देवी, जिलाधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी निहारिका विश्वकर्मा, समस्त जनपदीय स्तरीय अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।